Yo también muy bien. मैं आज आप क्या करवाओगे? क्वेश्चन आंसर समास वाले चैप्टर के समास वाले क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बेटा मैम फेयर नोटबुक में लिखी अभी हाँ लिख लो बेटा ओ आई बेटा फेयर में कर लो डायरेक्ट पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका समास किसे कहते हैं इसके कितने भेद हैं प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए पहला क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं कितने भेद हैं प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए यही क्वेश्चन है ना आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन यस मैम देखो बेटा आंसर इसका परस्पर संबंध रखने वाले परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों पदों बोल दो चाहे शब्दों बोल दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं मेल को समास कहते हैं अगला क्या दिया हुआ है इसके कितने भेद हैं इस लाइन को छोड़ के अगली लाइन से लिखना है समास के निम्नलिखित समास के निम्नलिखित छह भेद होते हैं
अब इसके दो दो उदाहरण दे रहे हैं, हम उनके छवों के नाम लिख के उनके दो दो एग्जाम्पल देंगे, ठीक है बेटा? सबसे पहला क्या है हमारा? अव्ययी भाव समास। अधिक के बाद क्या? पदों, पद है बेटा, पदों या शब्दों। ये वाला शब्द है पदों। अव्ययी भाव समास को एग्जाम्पल लिखो इसके। जन्म जन्म से लेकर और इसका है एग्जाम्पल लिखेंगे जत्था शक्ति। शक्ति के अनुसार ठीक है बेटा। दूसरा हमारा है समास तत्पुरुष समास। इसके एग्जाम्पल वन गमन, वन को जाने वाला। इसका क्या है एग्जाम्पल? ये कै और खै जो लिख रही हूँ ना बेटा, ये इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में है ना, दो दो एग्जाम्पल दीजिए, वही एग्जाम्पल है। ब्रेस्ट पद से ब्रेस्ट ठीक है बेटा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है हमारा? द्विगु समास। द्विगु समास दिखाई दे रहा है बेटा अभी? यस मैम। द्विगु समास चौमासा चार मासों का समूह। मैम वन गमन का आगे दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पथ भ्रष्ट, त्रिफला, तीन फलों का समूह। ये है बेटा पथ से भ्रष्ट और ये त्रिफला तीन फलों का समूह। फोर्थ देखिए बेटा, द्वंद्व समास द्वंद्व समास
उसके एग्जांपल देखिए. रात दिन, रात और दिन. पहले देखिए इसका भाई बहन. पुरुष समास का सेकंड क्या है? क्या बेटा? मैम आपने द्वंद्व समास है क्या लिखा है? क्या कह रहे हो बेटा? मैम द्विगु समास. मैम ये आपने क्या लिखा है? यस मैम, द्विगु समास का सेकंड क्या है? त्रिफला, तीन फलों का समूह. ये सेकंड वाले दिख नहीं रहे क्या आपको? नो मैम, मैम एक क्लियर नहीं आ रही फोटो. एमआर ये क्लियर. पास कर दिया बिल्कुल, अभी तो दिखाई दे रहा है. यस मैम. यस मैम. करो इसको जल्दी करो बेटा. मैम हो गया. मैम हो गया. ठीक है बेटा, अभी लिख लियो बोल ना दिए. मैम हो गया. मिटा दो बेटा ये. ये आपके चार हो गए. पांचों देखिए, इसी का पांचों क्या था? बहुव्रीही समास. बहुव्रीही समास एग्जांपल देखिए इसके. दशानन, दस हैं. आनंद यानी कि मुख जिसके. है देखिए इसी का त्रिनेत्र, तीन नेत्र. तीन है नेत्र जिसके.
अर्थात शिव, इसमें भी लिख लो बेटा अर्थात ब्राह्मण, सिक्स देखिए इसी का कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या लिखा है अर्थात विद्या धन विद्या रूपी धन है, देखिए इसका नीलांबर, नीला है जो अंबर, है में क्या लिखा है अर्थात शिव रावण, ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, मैम त्रिनेत्र का क्या है? तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, आपने सिक्स्थ के सेकंड में क्या लिखा है? सेकेंड में नीलांबर, नीला है जो अंबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारय समास और बहुव्रीही समास में अंतर, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास जहां समस्त पद में
समास पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का विशेषण विशेष्य के बाद संबंध या उपमान संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है अभी इसको उदाहरण देके बता यहाँ पर समस्त पद मैम ये कर्मधारय समास में आपने लास्ट में क्या लिख रखा है इसकी फर्स्ट लाइन में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमान है बेटा ये उपमान आगे देखिए एग्जांपल देखिए समस्त पद यहाँ पर पहला पद दूसरा पद और अगला हो जाएगा विग्रह है ठीक है अभी हम इसमें एग्जांपल देंगे इनका दोनों का ही देंगे विशेषण विशेष्य का और उपमेय उपमान का ठीक है पहला आ जाएगा इसमें नीलकंठ नीलकंठ में पहला पद क्या हो जाएगा नील हो जाएगा नील का मतलब यहां से किससे है नीला ठीक है दूसरा पद क्या हो जाएगा कंठ इसका विग्रह क्या हो जाएगा नीला है जो कंठ ये एग्जाम्पल है विशेषण विशेष्य का ठीक है बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका चरण कमल इसमें आ जाएगा चरण और ये दूसरा पद कमल इसका हो जाएगा चरण रूपी कम चरण रूपी कमल ये आपका है उपमान उपमेय एग्जाम्पल है ठीक है बेटा अब हमने कर्मधारय समास का कर लिया यहाँ पर हम करेंगे बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास ठीक है जहां समस्त पद में दोनों पदों में मैम प्लीज सर कोई पद क्या हुआ बेटा क्या
क्या हुआ? कोई भी पद प्रधान नहीं हो पाए प्रधान ने होकर कोई अन्य पद प्रधान हो वहां बहुव्रीही समास होता है वहां बहुव्रीही समास होता है इसका उदाहरण देखिए बेटा पीतांबर पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कृष्ण क्या हुआ बेटा क्या समझ नहीं आ रहा क्या समझ नहीं आ रहा बेटा करो इसको बेटा जल्दी करो क्लास का टाइम हो गया बेटा मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको स्कूल ऐप में शेयर करती हूँ पीडीएफ में ठीक है आपका टाइम एक दो मिनट रह रही इतने कर लो आप दिखाई दे रहा है अभी सही से अभी ठीक दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड यस मैम क्लास लीव कर दे हमारा हो गया हाँ जी बेटा जिसका हो गया वो क्लास लीव कर सकते हैं बाय मैम बाय मैम चलिए बेटा क्लास लीव कीजिए मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको स्कूल ऐप में डाल देती हूँ ठीक है ओके मैम बस एग्जांपल बाकी है थोड़ा सा ऐड हो जाए हाँ जी कर लीजिए जिसको करना है थोड़ा सा रह रहा है वो कर लो बाद क्या है मैम श्री कृष्ण के बाद क्या है जिसके आधार बेटा श्री कृष्ण के बाद कौन विराम है बस कुछ नहीं है वो पूर्ण विराम है ये
बेटा क्लास लीव कीजिए, आपका टाइम ओवर हो गया है, आपकी दूसरी क्लास आएगी। बाय मैम। बाय बेटा, मैं स्कूल ऐप में डाल दूंगी दोनों क्वेश्चन। अंश, पलक, लीव करो बेटा क्लास। पलक।